बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करेंगे आज न्यू चैप्टर फंक्शन, और ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें आप देखेंगे फंक्शन बेसिकली कहते किस। ये देखें, फर्स्ट स्लाइड में आपके पास है व्हाट इज़ फंक्शन। सी में फंक्शंस जो है ना, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सही है? जैसे फर्स्ट करिए, मेरे पास ऐड का फंक्शन है तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है तो वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। अगर मेरे पास किक का फंक्शन है तो उससे आपका किक कर सकते हैं। अगर मेरे पास पंच का फंक्शन है तो आप उससे पंच कर सकते हैं। सही है? और मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए। वॉकिंग का बना सकते हैं, रनिंग का बना सकते हैं। ये सारे क्या हैं आपके पास? फंक्शंस हैं। अब आपके पास डेफिनेशन में देखें, अ लार्ज प्रोग्राम सी इज डिवाइडेड इनटू अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सी फंक्शन। सही है? सी फंक्शन कंटेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। अब अगर आपको याद हो ना, एक मैं आपको एक आसान सी चीज़ बताती हूँ। सही है? फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है? कहीं पे भी कोई भी फंक्शन होगा ना, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके स्टार्ट में और उसके एंड में क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगी हुई होंगी। इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जिसके साथ ये लगा हुआ है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? एक फंक्शन है। अब जैसे मेन फंक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुई। ठीक? कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसके अंदर आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपने इस फंक्शन में करना क्या है। हर प्रोग्राम में एक फंक्शन लाजमी होता है जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस क्रिएट अ सी प्रोग्राम। यही सारे फंक्शंस मिलकर आपका सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। देखिए, मैं तो एक सिंपल प्रोग्राम भी बना रही हूँ, अगर मैं उसको फंक्शन में डाल दूँ तो उसका क्या मतलब मुझे फ़ायदा होगा? एक फ़ायदा मुझे ये होगा कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो मुझे मल्टीपल टाइम्स करना है, मुझे बार बार उसको सिर्फ कॉल्स करवाना पड़ेगा। सही है? बार बार सिर्फ मैं उसे कॉल करवाऊंगी। इसका मतलब इससे आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है? ये भी हो सकता है कि आप उसे हेडर फाइल में ऐड करवा दें उसकी डेफिनेशन को, और फिर जो है आप उसको यूज़ कर लें। ठीक? रीयूज किया जा सकता है। आपका प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि अब आपको उसको डीबग करना या उसमें से एरर्स ढूंढना, उसको रिमूव करना बहुत आसान हो जाएगा। आप जितने फंक्शंस चाहें अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। और जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। मतलब आपका प्रोग्राम्स किस में हो जाएगा? छोटे छोटे से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है? यूज टू अवॉइड री, मतलब एक सेम लॉजिक मुझे अपने प्रोग्राम में बार बार ऐड करना है, और मैं सेम लॉजिक बार बार लिखूं डिफरेंट उसमें डिफरेंट लाइंस में। मुझे हर थोड़े देर बाद एक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है जिसमें दो नंबर्स या तीन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ मैं बार बार लिखूं, तो ज़्यादा अच्छा यह है कि मैं उसका फंक्शन बना लूँ, जहाँ जहाँ मुझे उसको बार बार यूज़ करना है ना, वहाँ वहाँ मैं उसे कॉल करवा लूँ। आपके पास क्या है? थर्ड चीज़ है आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब आपने गौर से सुनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। फंक्शंस बेसिकली आपके पास दो तरह के होते हैं। फंक्शन आपने देखा है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, वो एडिशन हो, वो सब्ट्रैक्शन हो, वो किक हो, वो पंच हो, कुछ भी हो, वो वॉकिंग का हो, वो रनिंग का हो, ये सब क्या है? फंक्शन। तो इससे आपके आपका प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे से मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? अब आपने दो हिस्सों में उसको क्लासिफाई किया, एक आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है। पहले हम प्री डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो पहले से ही बनाया गया हो, यानी बिल्ट इन फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को आपके आपकी जो बुक है उसमें एक और नाम से भी बताया गया है, वो है बिल्ट अच्छा जी, बिल्ट इन फंक्शन के नाम से भी जो है इसको आपकी बुक में लिखा गया है। अगर आपसे
क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पूछी जाए तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक आपके पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा है आपके पास प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन। सही, बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो सी की आईडीई के साथ आते हैं, सही है, जो बने बनाए उसकी लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं, बस आपने उनको इस्तेमाल करना होता है। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, आप खुद से तो नहीं बनाते ना उन्हें, वो बने बनाए फंक्शन है, सिर्फ आप उनको कॉल कर रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं बार बार, जितनी भी बार आपको चाहिए होता है उतनी बार आप उसको प्रिंट एफ लिख दिया, स्कैन एफ लिख दिया, लेकिन उनके बिहाइंड क्या कोडिंग हुई हुई है, किस तरह से वो डिफाइन हुए हैं, ये किसी को नहीं पता। ये जो है इसकी डेफिनेशन भी वैसे आप देख सकते हैं, पूरी पूरी डेफिनेशन होती हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं पड़ता उस डेफिनेशन को, आपको सिर्फ प्रिंट एफ लिखना पड़ता है और वो आपका वही प्रिंट स्क्रीन पे करवा देता है। इसी तरह से आपके पास स्कैन एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन क्या करता है? स्कैन एफ का फंक्शन आपके पास इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है। स्क्वायर रूट का फंक्शन, सीलिंग, फ्लोर फंक्शन, साइन, कॉस, ये सारे फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सी की लाइब्रेरी में साथ ही आते हैं, सिर्फ आपको इनको इस्तेमाल करना होता है। जैसे सी एल आर, एस सी आर इस्तेमाल किया है आपने क्लियर स्क्रीन का, और गेट सी एच, गेट चार, गेट सी एच ई, ये सारे फंक्शन, पुट चार, पुट सी एच ई, ये सारे फंक्शन हमने डिस्कस किए थे ना, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस या यूजर वो सॉरी या प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से ही बने हुए हैं, रेडीमेड हैं, सिर्फ आपने उनको उठा के इस्तेमाल करना है। रेडीमेड चीज़ें कैसी होती हैं? अगर मैं रेडीमेड सूट लूँ तो वो बना बनाया होता है, सिर्फ उसको आपने पहनना होता है, सिर्फ आपने उसको यूज़ करना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से रेडीमेड फंक्शंस आते हैं, बने बनाए फंक्शंस, सिर्फ आपको उन्हें कॉल करना पड़ता है। दूसरा है आपके पास, उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें, लाइब्रेरी फंक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न बाय अस, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें। प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन। मैं आपको पता है ये एम्फोसाइज करूँगी कि जो ये वाला चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप यहीं से कॉपी करें इसको, जैसे जैसे समझते जा रहे हैं इसको कॉपी करें और इसी को यहाँ से ही लर्न करें, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे, यही वाला क्राइटेरिया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कि आप यहीं से लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लें। लाइब्रेरी फंक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न बाय अस, सही है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती इन्हें, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, स्क्वायर रूट, कॉज, स्टार कैट या स्ट्रिंग कैट, रैंड, ईटीसी, ये रैंडम के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे फंक्शंस कैसे, ये सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनको जस्ट आपने यूज करना होता है बाय इंक्लूडिंग देयर हेडर फाइल। आपके पास एग्जांपल आ गई, एग्जांपल में यहाँ पे अगर मैं आपको एक कोड दूं और उसमें से मैं कहूँ कि भाई आइडेंटिफाई करें कि इसमें कितने फंक्शंस हैं, तो आपको पता है इसमें एक, दो, तीन और चार, कितने फंक्शंस हो गए इसमें, इसमें इसमें लिखा हुआ है थ्री बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एक, दो, तीन, चार, चार फंक्शंस हैं इसमें, सही है भाई। इन्होंने मेन स्क्वायर रूट, मेन कॉल्स, थ्री बिल्ट इन फंक्शंस, मेन किन किन को कॉल करेगा, ये मेन है। अब मैं आपको बताती हूँ मेन फंक्शन जो है उसे कौन कॉल करता है। मेन ने, मेन फंक्शन ने किस किस को कॉल किया, स्कैन एफ को कॉल किया, स्क्वायर रूट को कॉल किया और प्रिंट एफ को कॉल किया। अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं सेम क्वेश्चन, इसी तरह का कोई प्रोग्राम देखिए कि मेन फंक्शन कितने फंक्शंस को कॉल कर रहा है, तो आप यहाँ से काउंट करके बता दीजिएगा। मैंने आपको कहा जिनके आगे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगे हुए हो, फंक्शंस होंगे आपके पास। इसी तरह स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया, प्रिंट एफ का फंक्शन हो गया, सारे आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है। तो और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, तो मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है आपका, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन कॉल करेगा, और मेन बाकी मेन के अंदर आप सारा अपना प्रोग्राम लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें मेन कॉल करेगा। नेक्स्ट जो आपने डिस्कस करना है, नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या ज़रूरत है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन पे आते हैं, सही है। ये तो अब तक की हमने बात की बिल्ट इन फंक्शंस की, कि भाई बने बनाए फंक्शंस हैं, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बने बनाए होते हैं, जस्ट अब उसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, यूजर डिफाइंड फंक्शन की क्या ज़रूरत है भाई? अब मैं अपने लिए कोई एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, सही है,
और आपको पता है कि सी की लाइब्रेरी में ऐड का फंक्शन नहीं है, ठीक। और मुझे बार बार ऐड करना है या कोई भी मुझे पता करना है कि भाई नंबर इवन है या ऑड है, ठीक। अब इसका फंक्शन तो मौजूद नहीं है कि मैं उसे बार बार कॉल करवा लूँ, लेकिन ये हो सकता है कि मैं खुद से फंक्शन बनाऊँ, एक दफ़ा लिखना पड़ेगा सिर्फ उसे, और मैं उसको सिर्फ बार बार क्या करूँगी, कॉल करूँगी। अगर फंक्शन आपने एक बार लिख लिया तो उसको बार बार कॉल किया जाता है, जहाँ आपको उसको इस्तेमाल करना है ना, वहाँ आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेगा और आपके पास एक सूटेबल सा आंसर आ जाएगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखें, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। इट इज़ पॉसिबल टू कोड एनी प्रोग्राम यूटिलाइजिंग ओनली मेन फंक्शन, इट लीड्स टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। द प्रोग्राम्स मे बिकम टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, एज अ रिजल्ट द टास्क ऑफ डीबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग बिकम्स डिफिकल्ट। एक प्रोग्राम है जिसको मैं मल्टीपल फंक्शन से बना सकती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं बनाया, फंक्शंस नहीं बनाया, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बना दिया। उससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम में एक तो डीबगिंग मुश्किल हो जाएगी, टेस्टिंग मेंटेन करना उसको, सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अगर आपका प्रोग्राम डिवाइड हो फंक्शनल पार्ट्स में, यानी फंक्शंस में डिवाइडेड हो, छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड्स में आपका प्रोग्राम डिवाइडेड है, तो उसको डीबग करना भी आसान है, टेस्ट करना भी आसान है, और उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। जैसे मैं कहूँ पहले ये रन, जैसे ही वो रन करे वैसे ही उसके बाद क्या करे, वो जंप करे, तो पहले मैं रन का फंक्शन डाल दूंगी ब्लॉक ऑफ कोड और उसके बाद मैं जंप का डाल दूंगी। दीज सब प्रोग्राम्स कॉल्ड फंक्शंस आर मच इजियर टू अंडरस्टैंड डीबग एंड टेस्ट, जब आप सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने यही बताया, ये जो छोटे छोटे से मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे आप अपने प्रोग्राम को या फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, तो आपका फंक्शन जो है बड़ा आसान हो जाएगा समझने में, डीबग करने। नेक्स्ट है आपके पास, उसी के आगे कुछ लाइंस हैं, देर आर मैनी टाइम्स वेन सम टाइप ऑफ ऑपरेशन और कैलकुलेशन इज रिपीटेड एट मैनी पॉइंट्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो आपको पता है कि यहाँ पे मतलब ऐसा प्रोग्राम हो सकता है आपके पास जिसमें सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन बार बार परफॉर्म हो रहा हो, यह मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, सही है। थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ही तरह का टास्क है जो बहुत दफ़ा आपने परफॉर्म करना है। ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उन स्टेटमेंट्स को रिपीट ना करें, बल्कि आप उसको एक फंक्शन बना लें और उसे बार बार कॉल कर लें। अनदर अप्रोच इज़ यूज टू डिजाइन अ फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड एंड यूज वेन एवर इज रिक्वायर्ड, सही है। जब भी आपको इस्तेमाल करना होता है आप क्या करते हैं, उसे कॉल करते हैं, फंक्शन को हमेशा कॉल किया जाता है और यूज़ कर लिया जाता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा सबसे अच्छा मेन पॉइंट ये है कि आपका टाइम और स्पेस दोनों चीज़ें सेव करता है। टाइम इसलिए कि आपको सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, और स्पेस इस वजह से क्योंकि मेमोरी यूटिलाइजेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे ही फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेता है वो मेमोरी को रिलीज़ कर देता है, सही है। जो फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेगा वो मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें आपके पास फंक्शन डिक्लेरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े गौर से सुनिएगा इसको। आपका जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, पहले फंक्शन डेफिनेशन है आपकी, या जिसे फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, देखिए कोई भी वेरिएबल जैसे आप लिखते थे अपने प्रोग्राम में, जैसे मैंने एक्स यूज़ करना है, वाई यूज़ करना है, एक्स यूज़ किया मैंने, वाई यूज़ किया, जेड यूज़ किया, ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं आपके पास, ये वो वेरिएबल्स हैं जो जिन्हें आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। फर्स्ट करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैंने एक फार्मूला लिखा है, सही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनको मैं अपने फार्मूले में यूज़ कर रही हूँ, तो इट शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड, मतलब इसको पहले आपने क्या करना है, पहले डिक्लेयर करना है, सही, वेरिएबल्स को। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे आपने पहले उसको डिक्लेयर करना है। तो जो फंक्शन की डिक्लेरेशन, ऐसे ही जब फंक्शन आप बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, क्योंकि नाम से ही कॉल होता है फंक्शन, ठीक। उसके पैरामीटर्स होंगे, उसके रिटर्न टाइप होंगे, सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो एक फंक्शन जब आप बनाते हैं ना, एक नई चीज़ उसमें डाल रहे होते हैं खुद से बनाकर, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रोटोटाइप देनी पड़ती है कि भाई ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसकी डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप ये है।
ऐसे ही फंक्शन भी डिक्लेयर किया जाता है जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है कोई भी प्रोग्राम में उसे इस्तेमाल करने से पहले उसे डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन भी और वेरिएबल भी। अगर फंक्शन डिक्लेयर करवा रहे हैं तो उसे फंक्शन डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। फंक्शन कॉल दिस मीन्स दिस कॉल्स द एक्चुअल, दिस कॉल्स द एक्चुअल फंक्शन, फंक्शन कॉल होगी। फंक्शन कॉल जो है आपकी मेन के अंदर होती है, सारी फंक्शन कॉल्स जो हैं आपकी कहाँ होंगी, मेन के अंदर होंगी। फंक्शन डिक्लेरेशन मेन से अंदर भी हो सकती है, मेन के बाहर भी हो सकती है। उसके अलावा फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट होती है जो भी आपके फंक्शन ने परफॉर्म करना है। एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आपके पास एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शंस आर क्लासिफाइड एज वन ऑफ द ड्राइव्ड डेटा टाइप्स इन सी, सही है। कैन फंक्शन कैन डिफाइन फंक्शंस एंड यूज देम लाइक एनी अदर वेरिएबल्स इन द सी प्रोग्राम, बिल्कुल वैसे ही मैंने अभी आपको बताया ना, फंक्शन को जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे फंक्शन को भी डिक्लेयर किया जाता है और बाद में उसको इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल नेम। अच्छा, आपका फंक्शन का नेम भी आइडेंटिफायर कहलाता है और आपका वेरिएबल का नेम भी आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आपने आइडेंटिफायर के लिए वो जो आपने वेरिएबल नेम के लिए सारे रूल्स पढ़े थे वही फंक्शन नेम के ऊपर भी लागू होते हैं। अगर मैं आपको कोई फंक्शन दूँ और मैं पूछूँ कि भाई इसका ये आइडेंटिफायर जो है वो वैलिड है, नेम ऑफ फंक्शन आप उसमें देखिएगा, अगर फंक्शन का नेम मैंने सही लिखा है तो इसका मतलब वो करेक्ट है। पैरामीटर लिस्ट भी है इसमें, इसके अलावा आपके पास क्या है और डिक्लेयर होगा बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के पार्ट्स, ये आपको पता भी हैं, अभी हमने डिस्कस भी किए थे। अब हम डिस्कस करते हैं मेन के अंदर ये जो लिखा है फंक वन, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इसको जो आप लिखेंगे ना तो इसकी डेटा टाइप भी लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम भी लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास आती है पैरामीटर लिस्ट, सही। या आपने फंक्शन कॉल किया, कॉल किया तो वो उसकी डेफिनेशन पे जंप कर गया, ठीक है। और फंक्शन प्रोटोटाइप आप इस फंक्शन के ऊपर दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये था ना आपके पास डेटा टाइप, मैं इसकी प्रोटोटाइप भी लिख देती हूँ। ये आ गया आपके पास डेटा टाइप, ठीक है। फिर आ गया आपके पास फंक्शन का नाम फंक वन, फिर आपके पास ब्रैकेट्स आ गई, ब्रैकेट के बाद आ जाएगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्यों लगाते हैं कि प्रोटोटाइप के सेंटेक्स में आपका टर्मिनेटर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। अ फंक्शन डेफिनेशन ऑल्सो नोन एज फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन शैल इंक्लूडेड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, फंक्शन नेम, फंक्शन टाइप, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ये फंक्शन की बॉडी में सारी चीज़ें आएंगी, फंक्शन के हेडर में नेम, फंक्शन टाइप और लिस्ट ऑफ पैरामीटर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखिए हम अगर अपने मेन को देखें, हम कैसे लिखते थे उसे, void main void main void, ठीक है। तो यहां पर ये तो फंक्शन का नेम है, मेन क्या है, मैं मेन थोड़ा नीट लिख दूं, देखिए मैं आपको डेफिनेशन डिक्लेरेशन सब बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास मेन आ गया, ये मेन जो है आपके पास फंक्शन नेम है, इट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक। अच्छा जी, स्टार्ट में जो नाम से पहले स्पेस देकर जो पहले लिखा हुआ है ना,
ये आपके पास है रिटर्न टाइप। ये क्या है फंक्शन की? रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन टाइप यानी इसकी रिटर्न टाइप। इसके अलावा लिस्ट ऑफ पैरामीटर आपके पास यहाँ आती है। इस पैरामीटर में क्या आएगी आपके पास? लिस्ट ऑफ पैरामीटर। इसके अलावा आपके पास फंक्शन नेम आ गया। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने? डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो डिक्लेरेशन में तीन चीज़ें हैं। क्या क्या है? रिटर्न टाइप, आपकी मेन आ गया, मेन वाला पार्ट यानी नेम, और फिर आपके पास आ गई पैरामीटर लिस्ट। इसी तरह अगर आप डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में इधर ही ब्रैकेट्स डाल के उसकी बॉडी डिफाइन की हुई होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ आ जाएंगी? डेफिनेशन में भी आपके पास फंक्शन नेम भी आएगा, रिटर्न टाइप भी आएगी और पैरामीटर लिस्ट भी आएगी। उसके अलावा आपके पास इसकी बॉडी आएगी, फंक्शन की बॉडी में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐड का फंक्शन बनाया है तो ऐड का फंक्शन के वेरिएबल्स जो हैं वो मैं किसी और वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकती। उसके अलावा आपके पास फंक्शन स्टेटमेंट्स आएंगी, उसके बाद आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पास फंक्शन डेफिनेशन बनाएंगी। फंक्शन हेडर, फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स और फंक्शन बॉडी, द सेकेंड थ्री एलिमेंट्स जो हैं वो फंक्शन के बॉडी के पार्ट हैं। ये भी आपने देखा, आपने एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज लिखना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। द फॉर्म ऑफ अ सी फंक्शन, ये आपके पास आ गई आपकी रिटर्न टाइप, उसके बाद आपके पास आ गया फंक्शन नेम, उसके बाद आपके पास आ गया पैरामीटर लिस्ट। यही चीज मैंने आपको क्या बताई थी? अगर इसी चीज के आगे मैं टर्मिनेटर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन प्रोटोटाइप बन जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे ब्रैकेट्स लगेंगी और ब्रैकेट क्लोज होगी तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी आपकी फंक्शन की बॉडी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास लोकल वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ जाएगी और सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आ जाएंगी। लास्ट में आपके पास एक रिटर्न का एक्सप्रेशन आएगा, रिटर्न और उसके बाद एक्सप्रेशन। अगर आप रिटर्न की कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो वो सिंटैक्स एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने पैरेंथेसिस में कोई इस तरह की चीज़ पास की, कैसे, जैसे किया ए सी बी, कॉमा डाल के ये सारी चीज़ें दे दी, तो जो लास्ट वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी ना, सिर्फ बी के अंदर, सिर्फ बी रिटर्न करेगा वो। और इसी तरह से ये आपके सारे एमसीक्यूज की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर उसने रिटर्न ये कीवर्ड के साथ ये सब किया, अब देखिए आपने कीवर्ड की डेफिनेशन याद की थी, समझी थी, ये भी रिटर्न का जो है वो कीवर्ड है, वाइट कलर में पेयर होगा बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? रिटर्न के साथ एक्सप्रेशन है ए कॉमा सी कॉमा बी आपने किया, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है वो रिटर्न के कीवर्ड के साथ, और अगर मैं करूँगी रिटर्न विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस, मैंने कर दिया ए प्लस बी, तो जो ए के अंदर वैल्यू है वो चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ब्रैकेट लगा दूंगी तो इनको इनका ऐड करके वो वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। रिटर्न का कीवर्ड सबसे पहले लिखा जाता है प्रोटोटाइप में, उसके बाद आपके पास फंक्शन का नेम आता है यानी आइडेंटिफायर, और उसके बाद आपके पास फॉलोइंग बाय द पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास क्या आएगी? पैरामीटर लिस्ट आएगी। नेक्स्ट आप देखें फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन की आपने ये सारी चीज़ें एज इट इज़ याद करनी है। फंक्शन हेडर, द फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स, फंक्शन टाइप ऑल्सो नोन एज द रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड द फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। सेमी कॉलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के आखिर में जो है, जब आप डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तब आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना होता। सेमी कॉलन कब लगाते हैं? जब आप उसको उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं। उसके अलावा आपके पास है नेम टाइप, ठीक, नेम मैंने कहा आइडेंटिफायर के सारे रूल्स फॉलो करेगा, टाइप रिटर्न टाइप होगी, जैसे ए प्लस बी मैंने इंटीजर वैल्यूज दी है तो इंटीजर वैल्यूज का जब मैं प्लस करूँगी तो वो इंटीजर ही आएगा। तो रिटर्न टाइप क्या होगी? आपकी डेटा टाइप ही होगी, जिस फॉर्म में आपका डाटा रिटर्न हो रहा होगा वो। जैसे मैं कहूँ दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो मैंने आपसे कहा था आंसर ज़्यादातर क्या होता है आपके पास? फ्लोटिंग पॉइंट ही होता है। तो आपने क्या इस्तेमाल कर लिया उसकी जगह? फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ कर लिया।
फॉर्मल पैरामीटर्स। अब आपके पास फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट है। द पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल दैट विल रिसीव द डाटा सेंड बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। जिसने जैसे इसने कॉल किया फर्स्ट करें, सही है, ये क्वाड्रेटिक का एक फंक्शन है, इसे क्वाड्रेटिक ने कॉल किया, ठीक, क्वाड्रेटिक ने कॉल किया। यहाँ पे मैंने दिए आर्ग्यूमेंट्स, वो दिए मैंने x, कॉमा y और कॉमा z, सही है। इसने कॉल किया, ये कॉलिंग वाला था, और ये आपके पास जो हैं, जो डेफिनेशन में आएंगे वो आपके पास फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट आएगी, सही है। वो वाली कौन सी थी आपके पास, वो वाली आपके जो कॉलिंग वाली होगी वो आपके पास क्या रहेगी, एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट, और जिसको वो कॉल कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, जहाँ उसकी बॉडी रखी होगी वो, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे आपके पास फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। इनमें कोई सेमी कॉलन नहीं लगता। द डिक्लेरेशन पैरामीटर वेरिएबल्स कैन नॉट बी कम्बाइंड, ये भी पता है आपको। दीज पैरामीटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड वैल्यूज टू द कॉलिंग प्रोग्राम्स, सही है। जो भी कॉल करा होगा उसको वैल्यूज सेंड कर देगी, ठीक। मैंने कहा जो कॉल करने वाला होता है उसके आर्ग्यूमेंट्स ही कहलाएंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और नीचे वाले जो बॉडी में लिखे होंगे वो कहलाएंगे आपके पास फॉर्म। जैसे इन्होंने void print line, void एक फंक्शन लिखा, मैनी कंपाइलर एक्सेप्शन एंटी सेट ऑफ पैरेंथेसिस। अगर आपके पास कोई भी पैरामीटर नहीं पास हो रहा होता तो आप क्या लिख देते हैं उसमें, void, void return type लिख दी, और void ही क्या ना ही एक ऐसा फंक्शन है, इसकी प्रोटोटाइप को देखिए क्या पता चलेगा आपको, एक ऐसा फंक्शन है ना ही कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है, पैरामीटर्स लेना और रिटर्न करना यानी देना, सही है। पैरामीटर्स लिए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं, और ये जो रिटर्न टाइप है ये दी जाती है, ना ही कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। बहुत सारे कंपाइलर्स जो हैं एम्प्टी सेट ऑफ पैरेंथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे नहीं भी कर। फंक्शन की बॉडी, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी। जैसे एडिशन का प्रोग्राम है तो पहले क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद इनपुट लेंगे दो नंबर्स को, फॉर्मूला लिखेंगे और उसे प्रिंट करा देंगे। ये सारा का सारा काम किस में होगा, फंक्शन की बॉडी के अंदर होगा, ये आपने याद रखना है। और इस तरह का फंक्शन जिसमें ना कुछ को ले रहा हो ना दे रहा हो, उसमें दोनों चीज़ें क्या आएंगी आपकी बॉडी में, रिटर्न की स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताई। जब वो कोई वैल्यू सेंड बैक करता है तो उसके लिए वो रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है। एक साथ नंबर ऑफ वैल्यूज भेज सकते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। बट और मैं आपको बता दूं, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की अलामत है कि आप एक चीज़ भी रिटर्न करें तो क्या करें, उसमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें लाजमी, ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे ये चीज़। अब आपके पास फंक्शन की कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, सही है। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स के वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। नंबर वन एग्जांपल देखते हैं हम। देखें ये एक ऐसा पैरामीटर है, यहाँ पे इसका मतलब है ये जो पहली टाइप है फंक्शन की वो क्या है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ना ये कुछ ले रहा है, ना इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है, ना ये कुछ दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, यानी इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है। और एक ऐसा फंक्शन जो ले रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा, ले इंटीजर वेरिएबल ले रहा है लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। देखें ना ये ले रहा था ना ये दे रहा था, ये सिर्फ ले रहा है दे नहीं रहा, अब ये दे रहा है ले नहीं रहा, ठीक है। यानी इसमें रिटर्न टाइप तो है लेकिन आर्ग्यूमेंट लिस्ट उसमें नहीं है। इसी तरह से दूसरा वाला जो फंक्शन होगा वो कुछ फोर्थ टाइप जो होगी उसमें वो कुछ ले भी रहा होगा और वो कुछ दे भी रहा होगा। ये चारों टाइप मैं आपको इनके सेंटेक्स दिखा देती हूँ, ये आपने एज इट इज अपने एग्जाम में लिखने हैं। डिक्लेरेशन करवाई पहले, फिर आपके पास फंक्शन कॉल आ गया, फिर डेफिनेशन आ गई है। बाकी इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको लैब में कवर करवाऊंगी, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है।
इस तरह विद नो रिटर्न टाइप होगा तो रिटर्न टाइप की जगह वॉइड आएगा, कोई पैरामीटर नहीं पास करेगा तो इसके अंदर वॉइड आ जाएगा। सही है, क्योंकि इसी के ब्रैकेट्स के अंदर आती है पैरामीटर लिस्ट। उसके बाद फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल ऐसे किया जाता है अगर आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ हो तो फंक्शन पैरामीटर की फंक्शन जो है इस तरह से कॉल किया जाता है। तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन आई, डेफिनेशन में अंदर उसकी थर्ड जो है आपके पास वो क्या है, विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट द रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है ले रहा और लेकिन रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ। तो जब रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आएगी, फॉर से इंटीजर टाइप में रिटर्न करें तो इंटीजर, फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट लिख दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद उसकी डेफिनेशन आएगी, वैसे उसमें रिटर्न का कीवर्ड लाजमी आएगा जिसमें नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। चीज़ें होंगी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, रिटर्न वैल्यू भी होगी, उसमें भी आपकी कॉलिंग सेम रहेगी, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा, डेफिनेशन में आपके पास इस पर, क्योंकि रिटर्न टाइप भी है, क्यों, क्योंकि रिटर्न समथिंग है, कुछ ना कुछ रिटर्न तो कर रहा है तो उसमें रिटर्न का कीवर्ड मस्ट आएगा। ये था आपका लेक्चर, इसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे पूछ लीजिए, ये तो कमेंट बॉक्स में है या चैट बॉक्स में, कहीं पे भी आप पूछ लीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।